अवैध शराब की बिक्री पर पूर्व विधायक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण में चल रहा है शराब का अवैध कारोबार, जल्द करेंगे नैनीताल एसएसपी से मुलाकात। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा के सीनियर नेता माने जाने वाले नवीन चंद्र दुमका ने विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। वहीं उनके इस बयान ने सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर उनके इस बयान का क्षेत्र के कई सामाजिक एवं अन्य राजनीतिक दलों ने नेताओं ने समर्थन किया है। यहां अपने आवास पर आयोजित एक प्रेसवार्ता में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा के सीनियर नेता नवीन चंद्र दुमका ने क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शराब बिक्री के अवैध धंधे से विधानसभा का माहौल खराब हो रहा है तथा युवा पीढ़ी नशे की इज्जत में आकर बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे के कारोबार को खुला राजनीतिक एवं पुलिस संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे का विधानसभा क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध नशे के कारोबार पर पूरी प्रतिबंध लगाने तथा इसमें शामिल आपराधिक पर ठोस कार्रवाई को लेकर जल्द ही उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। वहीं उनके इस बयान ने सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर उनके इस बयान का क्षेत्र के कई सामाजिक एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने समर्थन किया है। शिकायत तो है, जब भी मैं भी यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो शराब की अवैध बिक्री की चर्चा बहुत तेजी से इलाके में है और मैं समझता हूँ कि दो ही तरीके से रुक सकती है, या तो सरकार प्रशासन और पुलिस का तगड़ा डंडा इनके ऊपर हो और या फिर लोग जत्थों में इकट्ठे होकर के इस टाइप की जगह जगह पर जो स्पॉट बने हैं उनको घेर लें, उनको हतोत्साहित करें, उनको चेतावनी दें। इससे भी यह जन संगठन और जन विरोध से भी इस टाइप की घटनाएं बंद हो सकती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का फिर भी साथ चाहिए। इस मामले में शीघ्र ही हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर के यहाँ के एसएसपी महोदय से मिलने वाले हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने गैंगस्टर गैंग में कार्रवाई की वैसी शराब के व्यवसाय पर भी कार्रवाई करके इलाके को राहत दिलाए। खबर भारत वर्ष के लिए लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड से नंदन राम आर्य की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।